कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रेनीज गार्डन में। और वीडियो की शुरुआत करती हूँ इन खूबसूरत प्लांट्स के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। और आज संडे का सुबह सुबह का टाइम है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज है प्लांट की मिस्टिंग का टाइम और इनको नहलाने का टाइम। और आज मैं आपको, ये देखिए मज़ा आता है इनको बहुत, जब इनकी ऐसे मिस्टिंग की जाती है तो इनको बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन का एक छोटा सा लुक। और ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं अपने छोटे से इंडोर गार्डन में हूँ और आजकल यहाँ पर बहुत कम प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि जो प्लांट्स अंदर थे वो सभी जो हैं बाहर निकाल दिए मैंने। और अब कुछ ही प्लांट्स हैं, क्योंकि कोई कोई प्लांट्स इनमें से ऐसे थे कि जो अब जिनको बाहर रखने का टाइम आ गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे और बोर नहीं होंगे। और ये फॉक्सटेल फर्न का है और यहाँ पर ये आपका स्पाइडर प्लांट है दोस्तों। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये वंडरिंग जीव का, वंडरिंग जीव माय फेवरेट, कितना कलर दे देता है ये हमारे गार्डन को। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने ये रॉकवीड की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये इसका प्रोपगेशन था, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया है ना। और यहाँ पर भी रॉकवीड है लगा हुआ हैंगिंग में। और दोस्तों ये बस एक छोटा सा व्यू मेरे इंडोर गार्डन का मैंने आपको दिया है। बस इस तरह से ये छोटा सा यहाँ पर एक जगह बनाई हुई है, जहाँ पर मैं सारा अपना जो नया नया काम रहता है उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि इंडोर में थोड़ा यहाँ पे धूप भी आ जाती है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे हैवी जो सनलाइट की जो तेज़ी होती है ना, वो थोड़ा कम होती है, तो इसकी वजह से मैं इनको यहाँ पे रख लेती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बाहर लेके चलती हूँ। यहाँ से व्यू स्टार्ट हो रहा है। ये वही बेल है ऑक्सीकार्डियम की, और ये देखिए कितनी हरी भरी हो रखी है ना। और यहाँ से आगे जाएंगे तो ये पाम दिखा, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये पाम के प्लांट्स है ना, ग्रीन अच्छे लग रहे हैं। और आप ये देखिए, ये भी एक साइड है, यहाँ पे भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, फर्न रखे हुए हैं, ये सब आप देख लेंगे। हर एक का नाम तो बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ड्रेसिना, और यहाँ से आप ये देखिए, आप ग्रीनरी देखिए, इंजॉय कीजिए। और हैरी तो आज पूरे ही वीडियो में भौंक रहा है दोस्तों, इसकी तबीयत ख़राब है, ये देखिए। और यहाँ पर ये अमरूद का पेड़ है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर इस तरफ से ये लुक आ जाता है गार्डन का। और ऐसे करके मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं दोस्तों, आपके साथ बहुत बार शेयर किया हुआ है। और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा गार्डन पसंद आता होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज तो मैं आपको अपना सारे ही प्लांट्स, लगभग सारे ही प्लांट्स दिखा रही हूँ, बस कुछ जो पीछे लगे हैं वो छूट जाएंगे, और कुछ जो छत में लगे हैं वो भी, उनकी वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी। और दोस्तों ये भी एक कॉर्नर है जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और
अकेले काम करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, लेकिन ये जो मेहनत होती है बहुत सुखद होती है, क्योंकि जब हम इन प्लांट्स के पास आते हैं, नेचर के पास आते हैं, तो ये अपनी एनर्जी से हमारी एनर्जी को प्यूरीफाई कर देते हैं और हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं दोस्तों। तो इसके बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये इधर का कॉर्नर आपको दिखा देती हूँ, ये लुक है ना, यहाँ पे कॉर्नर है ये। तो अब हम दूसरी साइड को देखते हैं और यहाँ से होते हुए ये दूसरा कॉर्नर, दूसरी साइड है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है फ्रेंड्स, और इसलिए जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं वो मैं इस साइड ही लगाती हूँ। और ये पिटोनियाज अभी भी खिल रहे हैं, लेकिन अब इनको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है दोस्तों। और ये देखिए सरप्राइज लिली, एमरेलीस बहुत अच्छे खिल रहे हैं यहाँ पे, और इतने ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। और एमरेलीस बहुत सारे खिले हैं यहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा हैं मैंने रखे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है धूप बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए धूप के लिए ये सब रखे हुए हैं। और आपको मैं कई कई बार इन्हें दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। और ये रोज़ेस हैं, बहुत बंचेस में खिल रहे हैं, और बटन रोज़ हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम तो रोज़ेस में। और रोज़ेस की मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, आप उसको ज़रूर, अगर आपको रोज़ेस में प्रॉब्लम है तो ज़रूर ज़रूर उसको फॉलो करना आप, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था, तो मेरे पास सबने ये चीज़ सभी प्लांट्स में मैंने की थी तो काम किया। ये मैरीगोल्ड, ये देखिए एक ही पौधे में दो तरह के फूल लगे हुए हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है दोस्तों। ये मैंने खुद ही घर में लगाया है। और ये डहेलिया अब ये भी बाय बाय करने वाले हैं दोस्तों, कितना सुंदर फूल है देखिए ये डहेलिया का, और कलर भी कितना सुंदर है। एक रोज़ मैं दिखाती हूँ आपको पीछे, ये देखिए एक रोज़ ये खिला हुआ है, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। तो बस कुछ ये अच्छा लगता है हम लोग जब नेचर के, हम लोगों को थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए दोस्तों। ये कोई शौक की बात नहीं है, ये हम लोगों की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, और अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम सभी को जो है नेचर को करीब से देखना होगा, उसके पास जाना होगा। और उसका एक यही तरीका है कि हम अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन प्लांट्स के साथ अपना टाइम बिताएं। संडे सैटरडे कभी भी अपने थोड़े से प्लांट्स लगाइए, और देखिए फिर आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। और धूप आ गई है इनमें थोड़ी थोड़ी, गजानियाँ खिलने लगे हैं। अब ये सब फ्लावरिंग का इनका समय, अब धीरे धीरे ये सब सर्दियों के पौधे हैं। और ये आपको पता ही है लॉलीपॉप फ्लावर्स कितने सारे खिल गए हैं, और एकदम कॉर्नर एकदम रेड लुक में आया हुआ है। और ये अभी बहुत ज़्यादा मई जून तक खिलते रहेंगे दोस्तों, और इनकी जो कलर है बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से ये फ्लावरिंग वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया है ना, और आप लोग, मुझे वीडियो बनाने का भी इतना आइडिया नहीं है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल किसी चीज़ को माइंड मत कीजिए। बस मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी को अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए और फ्लावर्स लगाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। और हम लोगों को, हम इंसानों को जो है इन अपने आप से कनेक्ट होने में मदद करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सब, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो प्लांट एनर्जी तो है। हम सब क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है ना। वेज हो चाहे नॉन वेज, वेजिटेरियन हो, वही जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी तो, जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो प्लांट खाते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स को खाते हैं कि जिनको, जो प्लांट पे निर्भर हैं। तो घुमा फिरा के हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो अस्तित्व है, प्लांट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो क्यों ना हम एक्सपीरियंस करें। और फ्रेंड्स यही मैं आपको
दिखाया आज मैंने अपने गार्डन के बारे में और बहुत सारी बातें की हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा टमाटो गार्डन है और उसके बाद ये आप बताइए, ये पिटोनियाज हैं। आपके साथ मैंने बहुत शेयर किए सर्दियों में, अब इनको बाय बाय कहने का टाइम भी आ गया है दोस्तों, तो इसलिए मैंने अब इनकी पिंचिंग करना भी कम कर दिया है। बहुत कम पिंचिंग अब मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि मैं इस बार खुद से शीट बनाने के लिए इनको रख रही हूँ। और ये पिटोनियाज अब कम हो गए हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये नीचे गजानियाँ हैं, पैंजी हैं, तो बस ये एक छोटा सा लुक मैंने आपको दिया अपने गार्डन का और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये देखिए, ये मोरपंखी का पेड़ है, इतनी ग्रीनरी देता है, है ना। और इस तरह से ये एक लुक है दोस्तों। आज की वीडियो में हैरी जो है बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, प्लीज़ आप माइंड मत करना। और अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।